हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं धो रही थी कपड़े, मैंने लगाई थी मशीन अपने कपड़े धोने के लिए, तो वो अच्छे से चल नहीं रही है। तो मैंने सोचा इसको क्यों ना खोल दूँ, देखती हूँ ज़रा इसको मैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही, वो थोड़ी मतलब आवाज़ से कर रही है। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे इसको ओपन करते हैं और कैसे इसमें कैसे इसको क्लीन करते हैं। तो आप भी देखिए और ज़रूर करिएगा, अगर मेरा ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो आप भी ज़रूर करिए, देखते हैं इसमें क्या निकलता है, इसमें क्यों नहीं चल रही है ये। तो मिलते हैं आपको, दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले चलिए देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं मशीन का। तो ये मैंने खोल दिया था, ये यहाँ से खुलता है ऐसे करके, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, मैंने सोचा चलिए वीडियो बना देते हैं जी। ये यहाँ से ऐसे खुलता है ऐसे करके। तो आप भी देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरी मशीन को हो गया 14-15 साल, तो देखिए आप इसमें कितना कितना गंद है, देखिए ये देखिए आप कितना इसमें इकट्ठा हुआ हुआ है, क्योंकि ये जो इसमें होल होते हैं ना, इससे ये सारा इसमें जम जाता है। तो ये आप अपने आप ही कर सकते हो, घर में अपने आप इसको इसकी सफाई कर सकते हो। अब इसको यहाँ पे एक पेच होता है, कितना बुरा हाल था मशीन का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है एक नट होता है, तो मैं इसको फिर से आगे खोलूंगी इसको। दिखाती हूँ मैं आपको, तो मैं इसको ओपन कर चुकी हूँ, इस नट को, पेज को। देखते हैं जरा आगे क्या होता है इसका। इसमें कितना मटेरियल निकलेगा, ऐसे ना हो कि खोल दिया मैंने और लगे ना मुझसे, फिर कोई ना, फिर भी देख लेंगे। ये देखिए मैंने ये, ओह माय गॉड, ये देखिए कितना कितना गंद है इसमें। ये ओपन कर चुकी हूँ मैं इसको, तो ये देखिए अब मेरी मशीन। तो चलिए मैं इसको क्लीन करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको क्लीन करने के बाद इसमें कितना। एक मुझे दिखा यहाँ पे कुछ चेन सी है, कुछ ये देखिए। तो आप इस तरह से अपनी मशीन को खुद क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना कितना गंद निकला, आप भी देखिए, आप भी ज़रूर साफ करें अपनी मशीन को खुद। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखिए इसको भी साफ करती हूँ। तो जी मेरी मशीन साफ हो चुकी है, चलिए फिर इसको असेंबल करते हैं दोबारा से। फिर पहले इसको बस इतना सा काम है इसमें। पेच लगाना है, तो फ्रेंड्स मैंने ये पेच कस लिया है। ये थोड़ा सा आसानी से नहीं लगता, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है इसको लगाने के लिए, थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये मेरी मशीन
बिल्कुल क्लीन हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो चल रही थी। अब इतना कुछ फंसा हुआ था इसमें, तो फिर स्लो तो चलनी थी, इसमें पता नहीं क्या क्या फंसा हुआ था। तो बस ये हो गया है, अब मैं इसको, बस ये हो गई मेरी मशीन सेट, बस अब ये अच्छे से चल रही है। तो ये देखिए आप कितना सारा गंद निकला इससे। तो फ्रेंड्स इसे, अगर आपके भी ऐसी सिंपल मशीन है तो आप भी अपने घर पे इसको क्लीन कर सकते हैं, बजाय किसी को बुला के। क्योंकि अगर किसी को आप बुलाओगे ना इसको साफ़ करने के लिए, कम से कम 1000-1500 रुपये देगा इसको खोलने का। तो आप अपने आप ही इसको क्लीन कर सकते हैं, आप जैसे मैंने दिखाया आपको आप ऐसे करिए। तो मैंने तो अपनी मशीन साफ़ कर दी, आप भी ज़रूर करिए अपनी मशीन साफ़। तो बाय बाय। देखिए अब मेरी मशीन बिल्कुल सही से चल रही है, बिल्कुल फराटेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।